How to make anyone instantly like us? How to make anyone? Anyone मतलब anyone instantly like us. अगर हमें किसी को impress करना है within a second, तो उसको एक अच्छी सी smile करो. सामने वाले को लगे कि वो genuinely मुझसे मिलने में interested था and with the positive energy. क्या बात है, क्या smile है? हंस के दिखा दो एक बार. ये छुपा रहे हो आप, छुपाना नहीं है. हाँ, ये ठीक है. वेरी नाइस, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. क्या हो गया? अरे अरे अरे, आप ठीक है अजय जी? अगर आप ये नहीं बताते तो हमारी कितनी झंड हो जाती. हाँ नहीं सर, क्या बात है सर, दिन पे ले ली आपने मेरी बात. हाँ मुझे लगता है कई बार मैं अपनी ही बुराई कर रहा हूँ तो मेरे को कोई आप में से आकर के मारने पीटने ना लग जाए. संदीप भाई सर के बारे में बोलता तरीक सर. स्माइल देखो अभी कितना अच्छा फील हो रहा है ना. क्यों हो रहा है अच्छा फील? क्योंकि हम स्माइल कर रहे हैं. ऑल्सो फॉर इट कि जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर यहाँ पर ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एक्चुअल में हंस रहे हो, नकली नहीं, मतलब जो पार्क में होता है वो सब नहीं. रामलीला चलती रहती है 12 महीने तो उसकी मैं बाहर कुछ सेंसेशंस हो रही होती हैं. देख पा रहे हो अभी, मतलब कैन यू फील इट? कितने फील कर पा रहे हो? सच बोलना, झूठ मत बोलना. अंदर यहाँ पर हल्की 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 ऐसा लग रहा है कि कोई खुजा रहा है, मतलब अंदर से होता नहीं है. हाँ मीठी खुजली. अरे क्या मारा है, वाह वाह वाह, छा गया. ऐसा जितनी नेचुरल स्माइल उतना अच्छा फील, फिर एक लूप बन जाता है, फिर और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, फड़फड़ाओ. और क्या है, और कोई कुछ बोलना चाहता है या चाहती है? सर मेरे हिसाब से अगर हम लोग को, हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, तो सबसे पहले हमें दो लोगों से प्यार करना होगा, एक तो जिंदगी से और एक खुद से. एक्सीलेंट पॉइंट है, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. यहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हैं, मैं बोलना चाहूँगा, मतलब इन्होंने ये जो बात बोली है ना, बड़ा प्यार भरा पड़ा है भाई साहब के अंदर. जस्ट कंसिडर हिम आफ्टर दिस सेशन. है क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ. दोस्त आपस में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बनाए क्या भाई, गोवा का चले, गोवा गोवा गोवा. तो एक दोस्त कहेगा हाँ हाँ चलना चलना. उसके चार दिन बाद में तो जब ट्रेन पकड़ने के लिए आप अपने घर से निकल चुके हो, ओ यार बिरोनी. शेयरिंग में भी बहुत लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है. हाँ तेरे पास में कम है, ले चल भाग यहाँ से. देखा ऐसे लोगों को, हाँ दे रहे हैं तो इस एटीट्यूड से दे रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. नहीं, शेयर ऐसा टीचर अच्छा लगता है जो आया आ करके सामने खड़ा हो गया, जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझते चले जाओ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भाग गए. सबसे पहले तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं लड़की मत कर. मैं 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ यूट्यूब वगैरह के बारे में. तो सबसे पहले मम्मी का ये होता है लड़की है, गलत कोई हो गया, कोई फोटोशॉप कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. okay. फेस मत दिखा, बुरखा पहन के करो. आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि देखो सीरियसली मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके घर वाले शक्ल नहीं दिखाना. यहाँ पे दिखाएं आपकी, एडिट कर दे, दिखा दे, यहाँ दिखा सकते हैं. हाँ. देख लो, नहीं तो आप कहोगे तो एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो ये वो लड़की है जो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाद में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी. यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पे करोड़ों व्यूज होंगे, लेकिन सिर्फ इसी वीडियो में इनकी शक्ल आपको दिखेगी. किसी का टैलेंट हो सकता है कि उसको ब्यूटी का बड़ा शौक हो, है ना, वो सुबह से रात तक जब से पैदा हुई है तब से वो ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहती है. अगर उस टॉपिक पे बाकी सब एग्री करेंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं मतलब वो भी अपने हाथ ऊपर करेंगे, तो वही आज के सेशन का टॉपिक होगा. हाय संदीप जी. हाँ जी. मैंने ये सेशन बुक कराया था तकरीबन 1 साल पहले कराया होगा. हाँ. और उससे पहले मैं मतलब आपकी वीडियो वगैरह देखता था. हाँ. लेकिन मुझे लगता था कि ये सेशन होते हैं शायद पता नहीं अपने बंदे बुला के बिठा देते हैं. एक भी अपना बंदा बैठा है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आज तक अभी वो बुक कराया नहीं था. लेकिन रिसेंटली मेरी भाभी है, उन्होंने बुक कराया था, तो उनको नंबर मिल गया और वो आ गए, तो मुझे लगा कि नहीं यार बंदे तो जेन्युइन ही होते हैं.
बंदा जेन्युइन है। मैंने भी बुकिंग करा दी, डाल दिया इसमें। टॉपिक बताइए शॉर्ट में। टॉपिक सर मेरा ये है कि मैं इस टाइम पे मान लो 3 या 4 काम है जो करता हूँ, जिस काम में मुझे लोग कहते हैं आया भाई काम जरा बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि वो चारों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता, तो फोकस मतलब कैसे करा जाए, कौन सा उन चारों में से मतलब बंदे के लिए बढ़िया है, कि किस चीज में बंदा आगे जाना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं आज के सेशन का टॉपिक हो? अबे शगुन के लिए एक दो हाथ ऊपर करते हैं, मतलब जो और कोई बेटर टॉपिक किसी के पास में है? सर बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा एक चीज फेस करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, वो है पीयर प्रेशर। चाहे वो हमें देखकर आता है कि मतलब अगर कोई एक चीज कर रहा है बचपन में, कोई एंट्रेंस एग्जाम करा किया, फिर अच्छा कॉलेज, फिर गर्लफ्रेंड ये सक्सेस है फेलियर है? नहीं सर, मतलब कुछ टाइम तक तो मैं समझता हूँ सक्सेस है, उससे कुछ टाइम बाद उस बंदे की हालत देखते हो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक? नो। ओके, कैमरे में तो यही बोलना ठीक रहता है। क्लियर नहीं है कि नहीं मुझे ड्रग्स नहीं लेनी है, और फिर अगर बाहर से उसके फ्रेंड चाहें तो उस पर हावी हो सकते हैं, अरे ले ले क्या हो गया, अरे ये ड्रग्स नहीं होती, गांजा है, ड्रग्स नहीं है। अब आप फंस गए, अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे अपनी वाइफ को बदलने के बारे में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया इस पूरी दुनिया में। इम्पॉसिबल टास्क पे आप निकल जाओगे। मेरे सेशंस भी देख रहे होगे तो ये नहीं सोचोगे कि अच्छा इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि हाँ ये सेशन तो अपनी वाइफ को दिखाना ही पड़ेगा, ये उसी के लिए है। कुछ थोड़ी सी नौटंकी हुई, अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग तरह की नौटंकियां होती हैं, उसके बाद में कहीं घुमाया, ये किया, वो किया, चलो जी अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो क्या प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है, लेकिन आप मान लो कि ये तो ओरिजिनल है, मान लो, और दुखी होते रहो, अरे इसको किसी ने पानी नहीं दिया, देखो वो मुरझा गया है, अबे नकली है। उस कह रहे हैं कि हाँ यार चल लगा ले, हाँ लगा लेता हूँ, गाड़ी चला ले, हाँ चला लेता हूँ, वहाँ चढ़ा दे, हाँ चढ़ा देता हूँ, छलांग मार दे, मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो समझ, वो तो बेवकूफ है ही। अरे सोचो ना, दारू पीने में मजा नहीं होता, लोग इतनी बोतलें कैसे बिकती है? तो दारू का एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा है बुरा है? बुरा है, बुरे एक्सपीरियंस के लिए लोग पैसे खर्च रहे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाओ अंकल आंटीज। दिल तो अभी कुछ कहेगा, कल कुछ और कहेगा, कहता है नहीं कहता? दिल तो कहता है कि एक साल तक आप लड़ते रहे अपने घर वालों से, मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, इस कॉलेज में जाना है, कराने का चल जाते हमारी जान छोड़, वहां पे गए उस कॉलेज में, अगले दिन फोन कर रहे हो घर वालों को, नहीं यहाँ मन नहीं लग। दिल का क्या है जी, दिल तो कुछ भी करता है, कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि वो करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गलती से आपके हाथ से किसी का मर्डर हो गया, तो उसके बाद में बचा क्या लाइफ? समझ पा रहे हो, गलती से हो गया, तो यू कांट टेक दैट एक्सक्यूज कि गलती से हो गया, या गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ही मर गया, मतलब आप जैसे बॉडी जो है हमारी, ये आप अज्यूम करोगे एक फरारी के जैसी है, तो उसको अगर आप 20-30 की स्पीड पर चलाते रहो मरते दम तक, तो ये भी छोड़ो आगे बैल बांध दो। सेलिब्रिटीज आ रही थी और उसमें से कोई एक लीडर सेलेक्ट होना था, तो सबसे पहले वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मित्रों मैं प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन राष्ट्रपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे आप बताइए आप क्या देख रहे हो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मित्रों? उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हमारे संदीप सर पहुँच गए। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है और ना ही कुछ आसान है, सारा खेल मानने का है, जो ये मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो ये मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब कुछ आसान है, आसान है, आसान है। नहीं नहीं आइए, बहुत तीन लेकर के बोला आपने, हाँ आसान है, आसान है, आसान है, ऐसे मैंने कब बोला वैसे? आसान आसान आसान, उसने किसी और के साथ किया, दैट इज ओके, उसका नेचर है कि अगर आपके खुद के बच्चे नहीं भी हैं, जायज या ना जायज वट एवर, तो अगर उनको देख करके आपके दिल से उनके लिए दुआ निकले, हे भगवान की खुशी बनी रहे, ये खुश रहे, ये ऐसे ही खिलखिलाते रहे, भगवान बचाए इनको इनके माँ बाप से। मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया है,
उसके बारे में आप सोचो यार, उसने तो क्यों बोला, क्यों बोला, करना क्या, उसे जाकर पूछना ही तो है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तो क्या करेगा, मारने लग जाएगा आपको। एग्जाम्पल जैसे अब मैं ये सेशंस कर रहा हूँ तो देर आर पीपल हु आर कमिंग विद ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स कि भाई आपको ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, देर आर एंटरप्रेन्योर, देर आर पॉलिटिशियंस, देर आर दिस एंड दैट, ये वो, तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया अपनी वेबसाइट पर लिख के लगा दिया है, तो उसको मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सामने से बंदा बोलेगा मेरा ऑफर है 1 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 10 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 100 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझे कितना टाइम लगा मेरे को सोच के बोलने में? हाँ, कोई और होगा बंदा सोच में पड़ जाएगा, 1 करोड़ में तो बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 10, ओ 1 मिनट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, 100 करोड़, अरे करो ना क्या करना है। जैसे यहाँ पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूँ, लाइट यहाँ पर मैं कहीं जाकर फंस रहा हूँ ना जी, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूँ, ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है, ये क्या है, समझे, फंस गया। खुद को ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है वो फंसा हुआ है चिंदी चीज़ों में, तो देखता हूँ क्या है, बताओ भाई क्या कहाँ फंसा हुआ है, अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है, अरे आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी। हाँ, कभी एक चीज़ नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछा छुड़ाता है, यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ये करूँ ये कर लेना मेरा सर मत खा, होता है नहीं होता है, ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना क्या फ़र्क पड़ता है, रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, साथ रहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, साथ रह के कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दो गुले हो। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी, हाँ मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों रो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, ये घोचुओं की निशानी है, तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू, हाँ डोंट बी अ खच्चर, खच्चर इज बेटर, घोचू भी अच्छा है वैसे, ज्यादा ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से, खच्चर बेटर लगता है, अपना पन सा नजर आता है। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है। वेलकम बैक। तो अब जो आप लोग आ गए हो तो आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ, बिकॉज मैंने इसको बचा के रखा था, मैंने कहा पहले सेशन में नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग इसके लालच में आएंगे, जो भी मेरे सारे जो सेशंस कंप्लीट करेंगे ना, ये जो सीरीज है पूरी की पूरी, जो भी इसको कंप्लीट करेगा उसको इस सीरीज के एंड में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस पर मेरे साइन होंगे और लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, उसमें लिखा होगा इस सेशन का नाम जो आपने अटेंड किया है, तो आप अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं, अपने बॉस को दिखा सकते हैं, एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपका बॉस मेरा फैन होगा ही होगा, तो हो जाएगा काम आपका, मजा मजा आएगा। सर एक तो जो लास्ट सेशन से जो सीखा वही फैमिली में सबके प्रॉब्लम होती है, पापा बोलते रहते हैं, तो घर जाके पहले तो मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा बदल सकती हो क्या, कह रही नहीं बदले तो जाएंगे, तो फिर छोड़ो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आपने सोच पे कंट्रोल करो, ज्यादा बोलो तो नीचे चले जाओ। तो आपके घर में मतलब ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश है, बड़ा घर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये प्रिविलेज नहीं है, यानी एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या सजेशन है, कहाँ जाएं वो उनकी? सर घर के बाहर थोड़ा टहला है कि अभी टहल के आ रही हूँ, पापा 2 मिनट रुको, तक वापस आती पापा शांत हो जाते, तब तक वो भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं। यू वांट टू शेयर ऑल दीस थिंग्स ऑन द कैमरा राइट? हां ठीक है, मम्मी को दिखाऊंगी शायद पापा शायद थोड़े से, हां शायद पापा फिर ऐसा ना हो और गुस्सा आ जाए उनको। पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं, अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा क्या लगता है, आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है, जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं, अच्छा लगता है, मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो,
किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ आर थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ आर थॉट्स, व्हाट इज दैट? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं. मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को. सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो. देखो एक मिनट के लिए. आराम से, बी एब्सोल्यूटली स्टिल. आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो. किया ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी. मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं. अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवरथिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या, कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कचर कचर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर. जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये. यस और नो? आंख खुली रखूं या बंद करूं? देखो कभी लोगों को, लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो. रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हम. वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ. अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं. अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूँ, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं. बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया. ओ आई कम फ्रॉम US, आई गॉट 2 kids, यू आर स्टडिंग देयर, ये वो ये सारा उसने बोल दिया. मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे से क्या भाई? चीनी मीठी होती है ये पता है आप लोगों को, वर्ड्स में समझाओ. हिंदी चीनी भाई भाई वाला चीनी नहीं देता, कहीं और मत निकल जाए. कैसा होता है शुगर का टेस्ट, किसी ऐसे को समझाओ जिसने चीनी को कभी टेस्ट ना किया हो, नमक ही नमक खाया है उसने. उसको समझाओ, उस नमकीन आदमी को समझाओ को. मिठास क्या है, सब उसके ऊपर से जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, आंख बंद करके जो चीनी की मिठास है उसको फील कर सकते हो और गा सकते हो. तब भी समझ कुछ नहीं आएगा सामने वाले को, लेकिन वो फील करेगा पास पहुंच गए. अंदर एंगर है उसको एक्सप्रेस करना हो, कैसे करोगे? जिस पर्सन के ऊपर है उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, कैसे करोगे? गा दो अकेले में कमरा बंद करके, लिख दो. तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं, पता नहीं कब से क्या क्या दबा पड़ा है, वो सब निकल जाएगा. बेशक लिख करके, अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो लिख करके जो भी उसमें गाली गलौच ये वो सब कर दो उसके अंदर, और आग लगा दो उस डायरी को बाद में. खत्म, कोई सबूत ही नहीं है ना. नहीं तो डायरी किसी के हाथ लग गई तो हो गया आपका काम, क्योंकि उन्हीं के बारे में लिख रहे हो जो आपके अपने हैं. अपनों से ही तो प्रॉब्लम होती है, गैर से किसको प्रॉब्लम होती है जी? हमें तो अपनों ने लूटा गैर उनका. क्या बात बोल दी जी, देख रहे हो शायरी की पावर. अब ये बात अगर इनको नॉर्मली बोलनी होती तो कितने वर्ड्स यूज करने पड़ते. अब जैसे किसी की तारीफ करनी है, यू आर इन लव विथ अ पर्सन, उसकी तारीफ करनी है, कैसे करोगे? वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ तो करनी ही है. तारीफ को अगर करना ही हो और अगर आपको एक्सप्लेन करना ही हो कि भाई एक वर्ड के अंदर अंदर तो क्या है, आफरीन आफरीन है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वर्ड्स में जो मैं फील कर रहा हूँ उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. और इसी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गा दूँ. एक बार गला थोड़ा बड़े सिंगर्स की यही पहचान होती है. उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन,
तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरीन 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मेरा दिल रखने के लिए तालियां बजा रहे हो? चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन द कमिंग सैटरडे। तब तक के लिए शब्बा खैर, क्या बोलते हैं होता है ना, हाँ जो भी है, फिर मिलेंगे। हाँ ये अच्छा है, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे। अरे अरे अरे, आना एक मिनट, आना माइक देना जरा भाई साहब को, यहाँ आकर के बोलो तब कुछ मजा आएगा। हाँ मेरी तरफ से ये बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, पिटवाओगे। पकड़ सकता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फीलिंग्स तो अंदर ट्रिगर नहीं होती? हाथ रख लेते हैं। आप में तो नहीं हो रही कि? मेरे में तो होती है। हाँ बोलो भाई। हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते। सही बात, ठीक है जी, सी यू सून। सर जैसे आपने लास्ट टाइम स्टोरी लिख के लेके आए हो सर? यस। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बोलना नहीं है, जो हाँ, मैं हाँ, करता हूँ मैं वही बताने वाला हूँ। ओके ओके, क्या ओवरथिंकिंग से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। और एक एक्रोनियम है सर, लॉस्ट, LOST। ये क्या होता है सर? मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ। तो LOST एक सर हम फ्रेंड ना वाइजली चूज कर सकते हैं अपने। क्या होता है, पहले हम सर ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, मेरा तो ये मेरा डायलॉग आपने बोल ही दिया, मतलब हाँ, और मुझे को बोल दिया है, मुझे खच्चर भी बोलता, बचा क्या है? क्या खच्चरों की तरह खड़े होकर के सुन रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, किस लेवल से बोल रहा हूँ? बोलो बोलो। मैं एक तो स्किप भी कर देता हूँ, शायद लंबा हो रहा है। अरे क्या जरूरत है, पूरा दिन है हमारे पास जी, हम तो वही ना पक्का। अरे पक्का, लगे रहो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। बोलो 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 भाई। फर्स्ट सेशन में क्या हुआ था कि सर बताना बहुत सारा था, मैं मेरे को लग रहा है ज्यादा ही हो रहा है। अरे यार अभी तो शुरुआत है, बैठा हुआ। एक आध और, एक आध पॉइंट, ठीक है मैं दो बताता हूँ सर। दो बता, ये ठीक है। वो मैंने अराउंड 20 टाइम्स मैं सुन चुका हूँ अभी तक। और पॉइंट तो नहीं है ना सर? है वो सारे पर। अरे मैं आप लगे रहो, काफी सारे मतलब रहते हैं क्वेश्चन उसके सर। जैसे उसमें एक वो स्नेक वाला हो गया भाई, आंखें खोल सकता हूं मैं अपनी? बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। आपकी कैपेसिटी है मान लो जॉगिंग करने की 1 किलोमीटर है, इतनी सच में बताना कितनों की है इतनी कैपेसिटी? 2 किलोमीटर? 5 किलोमीटर? भगाऊंगा यहाँ पे, याद रखना। मतलब जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं फिजिकली, तो क्या होता है उसके बाद में? फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन नहीं करता है हमारा, मन नहीं करता है, वहां पर पड़ जाओ घास पे जाकर के लेट जाओ। ये कुत्ता चाट भी रहा होता है तो इतना आलस आता है कि कौन हटाएगा इसको, चाट ले कभी मजे ले ले कभी नहीं, क्या हो गया। बहुत लोग करते हैं, कितने हैं जो कोई म्यूजिक नहीं सुनते, कुछ नहीं करते और एकदम लेटते हैं, नींद आ जाती है? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। मेहनत करते हैं ना? अच्छा मेहनत करते हैं। कभी आप देखोगे ना लोगों को जो सो कॉल्ड मौन वाले होते हैं, जैसे ही मौन तोड़ते हैं वही हालत होती है उनकी, जैसे करवा चौथ व्रत तोड़ने के बाद में हमारी माओ की होती है। तो यानी डेली आप लोग प्रेयर तो करते होंगे, कितने हैं जो डेली सुबह उठ करके प्रेयर करते हैं?
कितने हैं जो कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं करते हैं? हाथ इतना डर डर के क्यों ऊपर उठ रहे हैं? भगवान देख रहे हैं, नर्क में जाओगे सारे के सारे, गर्म तेल में तले जाओगे और क्या। नहीं तो कितना कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ में, कोई लिमिट ही नहीं है। एक सेकंड लगेगा, वो बंदा हुआ करता था। एक तो है भिकमंगों की तरह हम जाएं, भगवान भगवान ये देखो वो देखो, भगवान ये कचरा था भाग गया। मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई भगवान के अंदर क्या फीलिंग आती होगी कि आ गया, फिर से आ गया मांगने। सोचो आपका कोई दोस्त है, रोज आपके दरवाजे पे आए, घंटी बजाए आ करके, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे, एक दो बार आप दे दोगे उसके बाद में आप क्या चल भाग यहाँ से, ऐसी फीलिंग नहीं आने लग जाएगी अंदर से? जो हम जिसके पास जाना चाहते हैं। आप जिसके पास जाना चाहते हैं? किसके पास जाना चाहते हैं? चाहे आप किसी के पास जाना चाहते हो, चाहे किसी से दूर जाना चाहते हो, दोनों यही है कि आपके दिमाग में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट उसके दिमाग में कोई और है, वो वहां भाग रही है, आप यहां भाग रहे हो, तब आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? जैसे गली में आपने देखा होगा जब कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब यहां से बाहर कैसे आए? बाहर आना जरूरी है ना, तभी तो आप अपने करियर पे फोकस करोगे, तभी तो ये देख पाओगे कि आप किसके दिल में हो या आप किसके दिमाग में हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आपके तो दिलो दिमाग में है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई और है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रहो, या बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे पड़े। सर वो भी करके देख लिया कुछ। माइक दो भाई साहब को, बताइए भाई साहब, पकड़ सकता हूँ? बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे, 6-7 महीने में उसने मेरे को पटाया था। ये बोलना चाहते हो आप? मतलब मैं यहाँ पे कैमरे में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सच है झूठ है? नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ तो गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको पटाया था? हाँ बिल्कुल। बड़ी वेली थी? गुड लुकिंग हो, क्यूट है। 6 महीने लगा करके आपको पटा लिया उसने फाइनली, फिर क्या हुआ उसके बाद में? 1.5 साल रिलेशन चला। हाँ। उसका रोका वगैरह हुआ। हाँ। वहाँ से फोकस आया काम करो, पैसा कमाना है ताकि उसे घर वालों से बात कर सके। अच्छा। देन फिर मेरे को बोलती है उसके पास ऑडी है। फिर उसको मैंने बोला तू घर से निकल जा, बाकी मैं देख लूंगा उसकी शादी। उसने मेरे को बोला मैं 2 सितंबर को आऊंगी। देन पता चला उस दिन उसकी शादी थी, मुझे मतलब रोकने के लिए उसने ऐसा बोला था। अच्छा। देन फेसबुक पर उसकी फोटो देखी। अरे दोबारा अबे हंस क्यों रहे हो, दुख भरी कहानी है। तो भाई के ऊपर क्या बीत रही है? मैं थोड़ा ये हाथ रख दूं, थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। 2-3 महीने देवदास बन के रहे, 9 kg वेट लॉस हुआ। अरे देन फिर एक नई लड़की आई। तो उसने भी आपको पटाया? उसने मुझे बोला मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे बातें चल, ये भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हैं उनको सिग्नल दे रहे हैं, पता लगे एक एक करके लड़कियां आए आंखें देखे। और देन फिर पता चला उसका और भी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उसका एक और बॉयफ्रेंड भी था। हाँ। लेकिन आंखें आपकी अच्छी लगती थी। नहीं मतलब रिलेशन में 1 महीने रहा, फिर लोहड़ी पे ब्रेकअप हुआ था। लोहड़ी के दिन पे? मतलब क्या वो मतलब फुल्ले वहाँ पे चढ़ा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे फुल्ले। क्यों ब्रेकअप ऐसा कुछ नहीं? मैंने उसको लोहड़ी पे विश नहीं किया, सुबह उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा था। धार्मिक लड़की हूँ। देन अभी मैं आपके फर्स्ट सेशन में आया था, उसके 4-5 दिन पहले पता चला वो लड़की फरार हो रखी है, 2-4 लॉन्डो से पैसे ले रखे फरार हो गई। आपके ऊपर मेरे को लग रहा है एक मूवी बननी चाहिए। नहीं मतलब लग नहीं रहा भाई के ऊपर। चलो ठीक है, सो गुड, लाइफ बन गया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ गद्दा वद्दा लगवा दूँ आपके लिए, हाथ में गजरा लेके बैठे रहना। संदीप बोल बोल बोल, अच्छा बोलता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन द कमिंग सैटरडे। थैंक यू।
सीरियस क्यों हो भाई लोग, क्या हो गया? लास्ट सेशन है, रोने का मन कर रहा है? रो लो, कैमरामैन कहाँ है हमारे? देखो भाई, कोई रो रहा है तो उसको कैप्चर करो जरा। नहीं रो रहा कोई, सारे नकली बैठे हैं यहाँ पर, किसी को दुख नहीं हो रहा, बिछड़ने का दुख नहीं हो रहा। तो थोड़ा तो रो लो, मेरा दिल रखने के लिए रो लो। थूक लगा लो। नहीं सीख रहे हो तो चाहे अच्छी से अच्छी भी मेमोरीज प्ले हो रही हैं, घोंचू घोंचू या खच्चर हो, अच्छा ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है। मेरे वाली उल्लू कहती थी। आपकी वाली उल्लू कहती थी? आपके वॉलंटियर देख के हंसी थी मुझे। हाँ क्या? मुझे देख के हंस रही थी। हमारी वॉलंटियर आपको देख करके हंस रही थी? आना एक सेकंड, आना, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। माइक दे दो। और कुछ ज्ञान देना चाहेंगे आपकी, मतलब अगर ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग का सर पूरा यार भाई, मेरे को आपसे प्यार होता जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ आप बड़े क्यूट आदमी हो, मतलब आपको खुद को पता नहीं है, आप मतलब बड़े कमाल के बंदे। आप करते क्या हो ऐसे सर? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब कॉमेडी करते हो? नहीं। क्या फ्रीलांसिंग मतलब? क्या लड़कियां पढ़ाते हो? हाँ नेटवर्किंग करता हूँ, और भी कई जगह हाथ फंसा रखे हैं। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन इन लोगों को, जो भी अगर आप इनको लोग कहना चाहते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप इनको खच्चर कहिए, घोंचू कहिए, लोग जो भी, मतलब इनको क्या आप बताना चाहते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में? ओवरथिंकिंग का मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ। हाँ वह मत, गलत बात बहुत बीती है इनके ऊपर, मतलब ये बता रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आइए आइए, आप यहाँ पर आइए। हाँ ओवरथिंकिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमोशंस के साथ। तो भाई माइक फेंक के मारेगा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुधर जाओ सारे के सारे। हाँ बॉक्सर रह चुका हूँ। हाँ मुक्का मारता हूँ। अरे बॉक्सर रह चुके हो आप? दिखाना हाथ, हाथ दिखाना, मारना मत, मतलब मैं देख रहा हूँ। अरे प्रोफेशनली आप करते थे? प्रोफेशनली नहीं, शौक था, पैशन था, मतलब फिटनेस के लिए करता। अभी भी, अभी भी जब मतलब ऐसा कोई ज़्यादा करें तो? लड़कियों को तो नहीं मारोगे? नहीं लड़कियों को नहीं, लड़कों को? लड़कों को भी नहीं मार, नहीं मारते, बढ़िया आदमी है। आध्यात्मिक हो रखे, अब हिंसा नहीं करते। उसके बाद एक डायलॉग यार कमाल हो यार, मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे, इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर प्ले होते हैं? हाँ सीरियसली बोलो। हाँ माइक पास ले जा करके। जी सबसे पहले लड़कों की मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है, कि भाई घर वाले कुछ सुना रहे हैं, नंबर दो लड़की का सीन है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के भाई बच्चे जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उम्र क्या है भाई साहब आपकी? अभी 24 का हूँ। लड़कियाँ चीज रही हो 24? फिर आगे क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो नहीं, लेकिन बातें सही कर रहे हैं, मतलब इसमें गलत नहीं कह रहे कुछ भी है। हाँ एकदम से ना घबराहट में सोचते हैं मैं उसका बुरा करूं, नहीं ऐसा मत करो, फिर बाद में तुम्हें गिल्ट होगा जिंदगी भर के लिए। हाँ बड़ी अच्छी बात बोली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम यार, मतलब ये भाई सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक मजाक में बातें भी अच्छी कर रहे हैं, मतलब सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। हाँ और बताओ। तो ओवरथिंकिंग में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ क्या होता था। तो मैंने लास्ट में उसको शादी के जोड़े में देखा था, उन्हें चूड़ा पहना हुआ था। चन्ना मेरा गाया नहीं, तब आई नहीं होगी। तो इतना माइंड में चलता रहता था, कोई न्यूली मैरिड दिख जाए जिन्हें चूड़ा पहना, मुझे गुस्सा आ जाता। फिर देन सोच रहा तू कर क्या रहा है, आज अगर तू नहीं कमाएगा कल को वो तुझसे, तुझे देखेगी मिलेगी तो कहेगी मैंने बिल्कुल सही किया। तो देन ग्रोथ के लिए मैंने काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, ग्रोथ की, फिर दूसरी आ गई। दूसरी में क्या था, दूसरी वाली पे मैं पैसे नहीं खर्च रहा था, मुझे शंका थी। समझदार हो गए। हाँ तो क्या पास से सीख रहे हैं? हाँ मतलब प्रैक्टिकली वो हो रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि मतलब आपने पास से सीख लिया और तभी ओवरथिंकिंग से बाहर आए। और हैंड्स प्रूव्ड यार, मतलब हाँ हाँ देख रहे हो,
जो मैं थियोरेटिकली बोल रहा था वो प्रैक्टिकली आपके सामने आ गया कि पास में कुछ भी हो हमारे साथ में बुरे से बुरा, उससे बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लर्निंग, सीख लो तो आप उससे बाहर आ गए, यानी उससे फ्री हो गए. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. गले मिलके जाओ भाई. यही आज के सेशन का टॉपिक है, हाउ टू मेक अदर्स लाफ. सर जैसे हम सर किसी से जोक करते हैं या सर कहीं पर भी जोक करते हैं सर, वैसे तो बंदा हंस जाता है सर, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे हमारे घर वाले भी आसपास हैं, वो कहते हैं कि तुझमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, तू इतना 21 साल का हो गया तू अभी भी जॉब कर रहा है, मतलब थोड़ा शांत रहा है. सर फिर सोचते हैं कि आप शांत रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, फिर कहीं जॉब मार देंगे. बंदा इमैच्योर है, कोई सीरियसली नहीं लेता. मैच्योर हो जाओ थोड़े से यार. मैच्योरिटी लाए हैं सर, जॉब करें क्या. करने की जरूरत ही नहीं है. तो मतलब जो सच है उससे बड़ी कॉमेडी और कहीं नहीं है. अभी आपने अगर इसको ध्यान से नोट किया हो, जो भी ये भाई साहब बोल रहे हैं बेचारे बड़े इनोसेंटली बड़े प्यार से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो ये क्वेश्चन खुद एक अपने आप में मजाक है. तो अब आप क्या चाहते हो मुझसे, मैच्योर जोक्स करो, मैच्योर बढ़ोगे. नॉन वेज जोक्स आपने सुने होंगे, शादी के बाद शुरू उनसे बीच में ऐसे ही पूछ लिया करो. अच्छा चलो टॉपिक चेंज करते हैं, पापा आप ये क्या बातें कर रहे हो, आप ये बताओ आप हनीमून पे कहाँ गए थे, तो क्या किया था आपने, कैसे किया था. सही है, मैच्योर जोक्स हैं, बड़ों के जोक्स हैं, बड़ों के तो ऐसे ही होंगे है ना. हो गया जी. और कुछ, और कोई क्वेश्चन, जवाब है ही नहीं मिलेगा क्या. कोई जवाब नहीं है, मस्त रहो. मतलब हर चीज के अंदर ये वाई 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 नहीं घुसाना है अननेसेसरी. हाँ मुझे क्या करना है करियर में, वहां पे वाई ठीक है. अब घर वालों का नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, पर क्या पड़ता है, मजे मारो ना यार, इंजॉय करो. जब ही यही हुआ कि जब आप आए ना, क्योंकि आपने आते ही सबको कूल डाउन कर दिया, क्योंकि सब ऐसे थे कि फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं तो कैसा हो, तो आपने आते ही कूल डाउन कर दिया, तो मेरे दिमाग में आया था कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, और आज का टॉपिक यही था. सिंपल सा फंडा है, पहला तो कि हमको खुद को रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीरियस होकर के यहाँ पे कॉमेडी करूँगा, मतलब सोचो ऐसे करके बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी है, यहाँ पे मैंने पैर फोल्ड कर रखे हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने कर रखा है, या फिर ऐसे बैठे हुए हो, देखो देखो किस किस का है, देखो, खोलो अपने पैर खोलो. हो गया, मैं अपने आप को आप लोगों से बचा रहा हूँ, और आप क्या, आपका बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, हाँ ले ले कर ले जो करना है, क्या उखाड़ेगा मेरा, समझ गए. तो दैट मैटर्स अ लॉट. देखो देखो जी पोज को देखो, मतलब हाथ को अगर आप खोल करके रखते हो, रिलैक्स रहते हो, ऐसे रहते हो, ऐसे रहते हो, तो लोग डर जाते हैं. वो मेरे कुछ सेशंस के लिए ठीक है, लेकिन आज के सेशन के लिए ठीक नहीं है, है ना. एक बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, करना पड़ेगा क्या, बाप भी करेगा बिजनेस, कौन नौकरी करेगा, सारे खच्चर. एक बंदे की हमारे पास मेल आई है कल, कहते तो सर जो भी नौकरी करते क्या वो सब खच्चर है. मैंने कहा नहीं मोहन प्यारे, ऐसा कुछ नहीं है. उन लोगों का क्या है, हर छोटे मजाक पे भी गुस्सा आता है, किसी भी बात पे भी गुस्सा आता है, चाहे जो कर लो तब भी गुस्सा आता है. उनके उनसे दूर रहो, और क्या करो. ऐसे बंदों को अपनी दुनिया में छोड़ दो. समझ गए ना, तेल लेने गए. सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे कुछ लोग है हमारे दिमाग पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे जकीर खान है, तो वो अगर स्टेज पे आता है. जकीर खान कौन है, मैंने जाकिर खान तो सुना है. जाकिर खान सही. तो सर अगर वो स्टेज पे भी आता है और वो बहुत कॉमन सी बात भी बोलता है तो हम हंसने लगते हैं. सर आपके साथ भी जैसे, मतलब मैं ही नहीं कह रहा कई बार कॉमेडी लगता है, क्या कर रहे हो यार. सर कई बार जोक्स बहुत नॉर्मल होते हैं और हमारे दिमाग में पैटर्न है कि संदीप से कुछ बोलेंगे तो खुशी आनी ही आनी है. तो सर पैटर्न से रिलेटेड कुछ कॉमेडी ही होगी, है ना. आपको कुछ करना है, कॉमेडी है, बोलने दो, बड़बड़ करता रहता है. इनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, इनफैक्ट उनके जो अपने दोस्त होते हैं वो भी पीछे से उनकी ले रहे, मतलब जो भी है उनका उनकी उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं. हाँ ये दिल्ली वाली भाषा के नहीं.
इतना कर रहा हूँ, जैसे भी बड़े कॉमेडियंस है जैसे कपिल हो गया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हो, कुछ ऐसे एक्ट कर। भाई मेरा भी नाम लेते हैं भाई। आप तो उनसे ऊपर। अरे एकदम से कुछ चल रहा है, चलते चलते एकदम से गिर पड़ा है ना, एकदम हंसी आ, जो को कुछ नहीं होता है, देखो हंसा 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 आराम से आकर के बैठ जाओ, लोगों को ऐसे मजा आ जाए। देखो कैसे हंस रहे हैं आप लोग, मतलब जाता है, मतलब कि वो आपको डरा देते हैं, आकर के कुछ भी ऐसा बोला तो आप भी बिल्कुल डिफेंड करके बैठ गए कि तू बेटा देख मेरा क्या हुआ, कर ले जो कर सकता है, लगा ले अपनी एड़ी चोटी चोटी का जोर, जो भी है तेरी उसका जोर लगा ले, इसमें थोड़ा मस्ती होगी, क्या होगा मतलब लड़का लड़की क्या होगा, अच्छा टॉपिक किस मैटर पे, हमारी पहली मुलाकात, आपका आपका क्या कहना है कि मैं एक्चुअल में दिखता हूँ बेटर लगा या ज्यादा बेटर लगता हूँ, सुन रहे हो, ये तुम्हारी एडिटिंग की वजह से हो रहा है ये सब, एक सुंदर जीव को पता नहीं क्या बता दिया। सर हमारे एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, अगर हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे कि हम दूसरों को हंसा सके तो हम हंसा पाएंगे, जैसे अभी आपके एक्सप्रेशंस ऐसे, अभी मेरे ऐसे हैं, अभी मैं बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ था, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाला बंदा अपने आप ही हंसता है, और आपके एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि हम हंसते हैं उन चीजों से, आपका बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करता है, देख रहे हो, देख लो एक्सप्रेशन, देखो पहले तो ये देखो गर्दन मैंने कैसे हिलाई थी, यहाँ थी यहाँ से ऐसे किया धीरे से, अगर मैं तेज करता तो एकदम हंसी नहीं आती, धीरे किया तो उसमें एक अदा आ जाती है ना, मतलब इस तरीके से मूव करना होता है, तो चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप मूव कर सको, इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसी चेयर दी है ताकि आप कॉमेडी ना कर पाओ, और मेरी मोनोपोली रहे आज यहाँ, जो कॉमेडी करी किसने करी, इसने करी। हाँ अगर मैं एग्जाम्पल वाइज देखूँ, जैसे कोई आदमी मोटा है, अगर उसको हमने मोटा बोला वो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो, वो मोटा पढ़ाई में अच्छा है और उसको अनपढ़ बोल दो, समझ गए, अब उसको पता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, समझ गए ना, कोई सुंदर है, जैसे अगर आप मेरी मेरे को बोलोगे बदसूरत तो मैं बुरा मानूंगा क्या, मानते हो, मतलब मुझे पता है मैं क्या हूं, आई नो दैट आई एम टू हॉट टू हैंडल, किसी की कोई सी हो गई है ना, जैसे लड़कियों का सामना है तो वो तो बड़ा ही सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है, क्या बात है आज क्या लग रही है, अरे बस स्टॉप पे नहीं कर रही है, क्या लग रही है लाल ड्रेस में, ये नहीं मतलब अपनी फ्रेंड के साथ में, जो आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है, क्या बात है आज तो बड़ा ग्लो है भाई, और लड़की एकदम निकालेगी अपने पर्स में से वो क्या है, ये करना, बट वो रियल होना चाहिए, ये नहीं कि उसके पूरे बेचारी के स्किन खराब हुई पड़ी है, पिंपल्स निकले हुए हैं उसी दिन, और वो खुंदक में आ रही है और आप कह रहे हो क्या लग रही है, स्किन बड़ी चमक रही है तेरी, तो चमाट लगाएगी घुमा करके, उसकी चमकना जो है आपकी चमक जाएगी, काफी होता है भैया, चेंज करना पड़ेगा अपना प्रोफेशन तो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मेरे को, अब कैसे नहीं रोक सकता, अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। सर मेरे हाथों में कई दिन से खुजली हो रही थी, इतने में मैसेज आ गया इसके लिए, अभी आज आपको सारे 1,000 और 500 के नोट मिलेंगे। सब कुछ तो दे दिया आपने। मैंने क्या दिया? कैसी कैसी बातें, ये आप गलत गलत पूरा बोलो ना यार, ऑल यंग पीपल लाइक मी राइट, थोड़े बड़े लग रहे हैं कुछ लोग, अंकल क्या उम्र है आपकी, उसको हमको मिल करके एक सॉल्यूशन निकालना है। सही, आवाज ब्रेक हो रही है, तुम्हारा पिछवाड़ा हर वीडियो में दिखता है, I don't know. How to find the purpose of your life. आपने मेरे इतने सेशंस देखे अभी तक समझ नहीं आया लाइफ का पर्पस क्या है।
गोबर गणेश लाइव सुनना था आपको लाइव सुनना था टॉपिक तो एक बहाना है सर और एक बहुत मजेदार चीज बताऊं मेरे घर के पास में मेट्रो स्टेशन है तो मैं कई बार वहां पे जा करके छुप के बैठ जाता हूं जैसे वो नहीं होता पॉपकॉर्न ले लिया मूंगफली ले ली या वो ले लिया और ऐसे ही करके बैठ गया वहां पे कंबल नहीं उड़ता तो थोड़ा ज्यादा भीग दे के चले जाएंगे ले बेटा शकरकंदी खा लिए बहुत टाइम से बैठा है तो ये सब नहीं करता लेकिन आराम से छुप के बैठता हूँ नहीं तो अगर लोग देख लेते हैं तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है सेल्फी वेल्फी ये सब झुमरी तलैया एक जगह सैटरडे हाँ संडे में तो टेंशन शुरू होने लग जाती थी यार कुछ घंटे रह गए कुछ मिनट रह गए जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो जब शुरू हो रही होती थी दैट वाज द बेस्ट टाइम और जब खत्म हो रही होती थी तो ऐसा लगता था कि गए है ना कि अब तो गोलियां खाओ 10-15 और खत्म करो ऐसी हालत हो रही होती थी मतलब मन नहीं करता था किसी कुछ लोग हैं मेरे स्पिरिचुअल सेशंस देख देख करके पता नहीं उल्टी सीधी मेडिटेशन कर रहे हैं उनको तरह तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं मेरे पास एक मेल आई सर पहले मुझे रेड लाइट दिखी फिर मेरे को ऑरेंज लाइट दिखी फिर ग्रीन लाइट दिखी साले ट्रैफिक सिग्नल की औलाद क्या देख रहा है अपने अंदर बैठ करके मैंने कहाँ बात करी इन सब अपने किसी भी सेशन में मैंने बात करी मैं बोलता कुछ हूँ करते कुछ है सर फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए बिजनेस और जॉब यही तो सलूशन है और क्या करोगे जी मतलब 1000 रुपए के और ये जो 500 रुपए के नोट डिसकंटिन्यू हो रहे हैं उसको 2-2 रुपए में बेचना शुरू करो लोगों से 1-1 रुपए में खरीदो भाई कागज का टुकड़ा ही तो है दे 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए ये आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू होगी एंटीक जैसे एक आना है ना अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओगे ना खरीदने के लिए तो एक आना भी बहुत महंगा मिलेगा आपको 5-5, 10-10 रुपए का मिलेगा इकट्ठे करना शुरू कर दो 1000-1000 रुपए के नोट कलेक्ट करना शुरू कर दो आइडिया बुरा नहीं आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा काम करने शर्म को कैसे खत्म करा जाए जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ फिलहाल फिर मुझे लगता है कि यार मैं ये करूंगा वो करूंगा तो वो कैसे खत्म मतलब मैं समझा नहीं क्या जैसे कोई काम दिए गए जैसे मैंने जॉब ज्वाइन करी 5 दिन पहले तो मुझे बोला कि पैम्पलेट्स बांट के आने हैं तो मैंने साफ मना कर दिया भाई पैम्पलेट्स ये मेरे सेशंस का साइड इफेक्ट है आई एम द ग्रेटेस्ट मैं पैम्पलेट्स कैसे बांट रहा हूं अपने बॉस को बोलूंगा तू बाहर जा वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा तू बाहर जा ग्रेटेस्ट आज सिर्फ 2 मिनट है 2 मिनट है चलो 5 मिनट के और चलाएं सेशन को आगे एक घंटे पैम्पलेट नहीं बांटने आपको जाएगा ना दिक्कत हो गया वो दोस्त के भाई कंपनी है तो दोस्त को फोन करा रहे समझा अपने भाई को आप गए इसको सेलिब्रेट करना है पार्टी करनी है चाहे अकेले में करो चाहे अपने एक सिस्टर को ले लो भाई बहन को ले लो या फ्रेंड को ले लो आ तेरे को एक पार्टी देती हूँ छोटे चाहे जाकर के पेस्ट्री खिला के ले आओ 5-5 रुपए की दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट 5 की नहीं आती अब मैं वही 2-2.5 रुपए वाली पेस्ट्री मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैंने 2.5 का 5 करके बोला था मैंने कहा 2.5 की नहीं आती होगी 5 की आती होगी 10-15 रुपए की जितने की भी आती है छोटी अरे नहीं यार छोटी वो पाइनएप्पल पेस्ट्री व्हाइट वाली 10 रुपए की नहीं आती यार आप लोग बहुत अमीर लग रहे हो पता नहीं कौन से नए से मिलते हैं माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि एक ऐसा लड़का मुझे चाहिए चाहिए एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी इधर से स्माइल अंदर केमिकल रिलीज हुआ उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई है ना और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं फिर दोबारा मिला फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ अब हमारा मन कर रहा है मुझसे समझ गए ना हाँ तो क्या बोलना है अपने आप को कि 4 दिन में गई मजा आ गया सेशन तो काम कर रहा है सिर्फ सेशन ही काम नहीं कर रहा है मैं भी काम कर रही हूँ मैं समझ पा रही हूँ वो क्या बोल रहे हैं उन्होंने क्या बोला था मेरे को समझ आया है मैं सक्सेसफुल हो गई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन सुना और कुछ भी नहीं किया कोई एक्शन नहीं लिया मैंने लिया और मैं 1 दिन नहीं गई 2 दिन नहीं गई 3 दिन नहीं गई 4 दिन गई समझ गए लेकिन नहीं छूटा तो कुछ होने वाला नहीं है तो क्या होगा अगर आपने ऐसा बोल दिया तो 5 घंटे बढ़ के 6 घंटे हो जाएगा क्योंकि अब आप गुस्से में मोबाइल यूज कर रहे हो अब आप अपने से खफा हो समझ गए अच्छा वर्ड है खफा हो तो अब आप अपने से नाराज हो तो खुंदक में आप जैसे खुंदक में आदमी ज्यादा दारू पी जाता है ज्यादा खाने लग जाता है तो आप खुंदक में कहोगे सब बेकार है तो मैं क्या करूंगी अब मैं 5 घंटे 6 घंटे पर लगी रहूंगी सकते हो अपने माइंड में वो आपके ऊपर है आपकी अपनी इमेजिनेशन है 1 मिनट रुक जाओ सूसू तो नहीं आई ना
तो एक जैसे अब आपने सोचा था कि मैं पैम्फलेट नहीं बांटूंगा, तो अब जा करके मेरे सेशन देख करके पैम्फलेट बांटो, उनको जा करके बोलो दो मुझे पैम्फलेट, कहाँ बांटना है, क्या करना है, ठीक है। और पैम्फलेट को अपना रुमाल निकाल के पहले साफ करूंगा, फिर उन पैम्फलेट को सर पे लगाऊंगा और दूंगा, सर जी हजूर ये लो ये लो ये लो, और वो करके अपने आप को बोलोगे यस आई हैव अचीव समथिंग, तब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरे में कोई डर नहीं है ना। मुझे अगर आज यहाँ से सपोजिंगली सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एक हिल स्टेशन पे बैठा हूँ और जो हनीमून के कपल्स आते हैं उनको जा करके बोल रहा हूँ फोटो मैडम स्माइल प्लीज, सर जी आप नहीं हंस रहे, लगता है आप खुश नहीं हो, मैडम जी ज़्यादा खुश है। बहुत ऐसी हरकतें करता था जब मैं खुद शूट करता था, अब तो नहीं करता, तो मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर जी 100 रुपये, मैम 100 रुपीज़, मैम प्लीज सर आपका हनीमून है सर, 100 तो बनता है, मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100-100 रुपये 5 बंदों से लिया, 500 रुपये एक दिन का आया, महीने को 15, मजा आया स्टेशन पर, हवा तो बढ़िया है, दिल्ली में तो हवा ही बेकार है, सांस तो ढंग से लूंगा, क्या दिक्कत है। स्माइल ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल स्माइल की डेफिनेशन क्या है, हंस के दिखाओ कैसे होती है नॉर्मल स्माइल, ज्यादा हंस रहे हो आप लोग, कैसे मतलब दांत दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, इन सब चीजों से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है। इतना सोचोगे तो काम क्या करोगे, आप दांत नहीं दिखे, ये सही है, ये थोड़ी ज्यादा हो रही है, नहीं दांत नहीं दिखने चाहिए थे, उन्होंने संदीप सर ने बोला था दांत नहीं दिखने चाहिए थे, तो क्या करूं, हंसना भी है तो कैसे हंसू, अरे फंस जाओगे, इतना दिमाग मत लगाओ। कि अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो स्माइल थोड़ी लिमिट में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना सर, बचपन के चड्डी बड्डी जा रहे हैं, बात करते करते इधर देख लिया उधर देख लिया वो चलता है हाँ, लेकिन ऐसे भी जैसे इंटरव्यू में होता है ना, पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या आई लव पेंटिंग, ये ऐसा भयानक आई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो अगर आप ऐसे पीछे करके बैठे हुए हो तो दैट मीन्स कि भाई उखाड़ ले मेरा संदीप, तू क्या उखाड़ता है, तेरे बस का नहीं है, मैं डी टू हूँ, तू बोलता रहा कर 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 कर, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो एक एक्सप्रेशन ये है आपका, हाथ कैसे शेक करते हैं, वार्म शेक, वार्म मतलब हाथ को गर्म करके जाओ, इधर आ क्यों, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं ऐसा हैंड शेक करूंगा, मार दू देखता हूँ मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा इस जॉब के अंदर। करके दिखाओ, आओ मेरे एक दोस्त है वो पता है कैसे करता है हैंड शेक, आ जाओ वो ऐसे करता है, मतलब आपने भी देखा होगा इंडिया में बड़ा चलता है कि हैंडशेक करना है तो ऐसे, देखा है, है ना, और भाई क्या हालचाल, मेरा मन करता है जेब से 1 रुपया बढ़िया, देखा है ना लोगों को ये किया और फिर उस दूसरे बंदे ने आकर के ऐसे हाथ ऊपर रख दिया, क्या हो रहा है, मतलब शादी के लिए कोई फेरे होने वाले हैं क्या है ये, तो ये नहीं है तरीका, तो कैसे करोगे हैंडशेक, हाय आई एम निवेश, अरे क्या बात है, सही है, मतलब दिस ग्रिप हैज टू बी फर्म, इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी लूज, मतलब ऐसे तो करना ही नहीं है जैसे जैसे होता है ना, क्या हाल है भाई, ऐसे एक चीज है जो कभी मत करना ऐसे करके यहाँ पे अंदर को जाना, आपने देखा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा मैंने क्या किया था, यहाँ करके ऐसे खुजाना इसका मतलब काफी गलत होता है, नेवर डू इट, Let's give a big hand for him. Point है बताओ. Moment of hands while speaking, sir. हाँ, excellent point. मतलब movement of hands. क्योंकि आप जो बोल रहे होते हैं उसके वो तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, है ना? कई बार आपको लगता होगा डांस शो चल रहा है, सेशन हो रहा है. लेकिन it creates an impact. जैसे जो चीज़ बोलनी है, अगर मेरे को किसी point पे emphasize करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे-ऐसे कर सकता हूँ, right? That means कि ये तो है ही है. ये तो होगा ही होगा. तो अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा आप अपना हैंड मूव करोगे तो वो भी अजीब हो जाएगा. उन्होंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या मैं क्या बताऊं आपको, पूछ लो जाकर के, किसी से भी पूछ लो, मेरे मोहल्ले में जाकर के आप पूछो मैं क्या हूं.